ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਦਾ ਵਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਥੱਲੇ ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਪ ਟਿਪ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫੁੱਲੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਿੜਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈਗਾ खलारा पिया गुडिया राणी अपने जो बैग च बुक्स वगैरा पा रही है इन्होंने सवेरे स्कूल जाना टाई का जो निकल गया धागा जो मैं पानी आज के ब्लॉग का जो इंजॉय करो जी जो ब्लॉग चंगा लगा तो लाइक शेयर दब के कर दो जी नाले देखियो जे भी किन्ना खलारा पै गया सी साडे हुण कई लोग कहिंदे सीगे कि साडे मीं नहीं पिया उधर मम्मी और मैं फिर पुछे मैं कहा तुहाडे मीं आया फिर मम्मी कहिंदे नहीं आया पर इत्थे ते इन्ना ज्यादा जिहड़ा खलारा पिया सी ना मीं दे करके तो सारा तुसीं वीडियो च वेख लैणा वीडियो जिहड़ी हैगी आपां शुरू कर देणा ते इत्थे रोपड़ देखो इन्ना मीं पै चुका वा देखो उधर अमृतसर वल मीं नहीं हैगा भी अंदर तक साडे उत्ते कोठे ते सारा पानी आ गया मैं देखदी मैं ना पिछों पता नहीं छिट्टां दीआं कदी आई जांदीआं धुप्प ते इन्नी लग्गी आ देखो अपना किवें कोठा है पानी ना भरिया देखो सारा कोठा किवें पानी ना भरिया है इन्हें पानी इन्ना मीं पिया ते मैं देखो जिवें नेरी आ के ना सारा ही कट्टा जिहा ते साह जिहड़ा कवर उत्तों हो गया पर नाले अग्गे आ गया ते इहदे करके जिहड़ा पानी जिहड़ा नहीं जा रहा सीगा विच हुण जाएगा थल्ले भी ऐ सारा बग बग के बुरा हाल हो गया इन्ना मीह पिया देख लो तो धुप भी देखो किन्नी है तिखी लगी गर्मी होनी हुई है पर ये जो मीह दे नाल देखो पानी किन्ना भरिया हुण सारा कोठा साफ करांगे आपां पानी ऐ निकल जे मैं कहिंदी पानी दी पता नहीं परनाले दी आवाज हो सकदा टूटी कोई खुल्ली रह गई क्योंकि बारिश ते हो नहीं रही पर पानी इत्थे जमा होई गया पानी विच गया ही नहीं ते तो देखो चिड़िया का भी किन्ना बुरा हाल हो गया सारा दाना भी इन्हों का खराब हो चुका इन्हों की सारी साफ सफाई कर दें ये देखो चिड़िया उपर बैठिया ने इन्हों का भी हूँ अपना दाना जोड़ा वो चेंज कर दें सारा ही गिला हो गया इधर वछड़ा के पानी भी खराब हो चुका सारा कुछ आप इन्हों का चेंज करा पानी देखो इन्ना कोठा पहला भर चुका होना कि देखो अंदर तक पानी आ गया इन्हें ना पानी चढ़ गया उत्ते सारा अंदर पानी आ जड़ा आप बनाया सी रूम ये सारी ए खराब हो गई थल्ले कलाई जी ये देखो थले थले पलाई जी है ना किन्नी है गिली होके भावे फुल जाए वैसे तो पता नहीं है वाटर प्रूफ है कि सारी खराब हो गई हम आप पहला मोटा मोटा कर लें इतों भी ज्यादा जरा ज्यादा खलारा वा ज्यादा पानी वो आप कढ़ लें क्योंकि उधरली साइड तो जरा वाधा वा सारा ही चोन लग पिया सीगा थले थलड़ी साइड तो मैं कहनी टिप टिप पानी कितों डिगदा पिया वो अंदर भी पानी किन्ना आ गया इस अंदर दे विच है सारे गद्दे भी है भिज चुके सारा समान खराब हो चुका हूँ इन्हों आप धुप्पे बाहर कढ़ दें आप तो कहा भी रेस्ट करांगे पर मीं ने इन्ना ज़्यादा काम खराब किया भी हमने सारा अपन पहला साफ सफाई करनी पैनी उस तो बाद आप रेस्ट कर दें ये बाद धुप्पे कढ़ दें आप सारा समान बहुत गिला हो चुका है अच्छा और थोड़ा तो तक पानी चल गया ये देखो जी इतो आप सारा साफ सफाई कर लिया चंगी तरह आपां नूं धो लिया हुण सुक्का पोचा मार दिंदे आपां क्योंकि अंदरों प्लेटां तो पानी भी बहुत औखा निकलता इधरों भी आपां साफ कर दिता सारा पर इन्ना भी जिहड़ा मेन कोठा वा ये ज़्यादा गंदा पानी ज़्यादा चाहिए आपां नूं इत्थे हुण जदों शाम नूं 4 बजे पानी आउंदा फिर इहनूं आपां सारे कोठे नूं वॉश करदे आ गद्दे वगैरह उधर सारे आपां साइडां ते धुप्पे पाते ते कुछ आपां चिड़ियां नूं दाणा वैसे आरजी के भांडे भुंडे च पा दिंदे आ फिर शाम नूं इहनां दा भी सारा पिंजरा धो धा के फिर आप सारा समान रखांगे ये तो हम धुप बहुत हो चुकी है थक भी गए आप उन्ना क करते हम बाकी का कम आप शाम करते हैं तो मिलते आप शाम तू जी हम आप थोड़ी देर रेस्ट कर लिए
हूँ देखो इधर सारा आप कोठा वॉश कर लिया चंगी तरह, समान अपना सुक रहा, बस थोड़ा जहा रह गया इधरों, ये करके तो फिर आप थले चलेंगे। तो इधर देखो पिंजरे की सफाई बच्चे कर रहे हैं, चंगी तरह थले साफ करना पैदा। वैसे आप हफ्ते हफ्ते बाद कर ही दें, हम थोड़ा टाइम लग गया जो आप गए करके, क्योंकि जिमें आप साफ सफाई चाहिए, इस तरह जानवर बेचारे भी साफ सफाई चाहिए आ। दाना भी इन्हों का सुकने पाया से देखो, तो कुछ ये इधरों गिला गिला सारा कढ़ के अपना चंगी तरह साफ करके फिर आप दाना भी इन्हों रखा। इधर इनू डब्बे साफ कर लिया जो पानी वाला, ये भी ना है पणा जहा जो जम जाता वो जम गया सीगा, हुण इहदी सारी साफ सफाई करके पिंजरे की भी इनू भी सोहना बना के तो फिर आप डब्बे रखते हैं। देखो इन्हों के ढक्कन भी एक विठा बहुत कर दया ना ये उपर ये उत्ते चढ़ जाएँ, तो ही आप उपर लाए से उन्होंने डब्बे के भी ये ना दाना भी खराब कर लेंदी है। हुण इन्हू भी धो के चंगी तरह फिर लावे वो उत्ते। हुण कोठा आप सारा वॉश कर लिया, उधर आप पिंजरा भी चंगी तरह वॉश करके पानी रख दिता, दाना भी रख दिता। पर इधर देखो बदल फिर चढ़िया आंदे है, हुण आपां नूं गद्दे गुद्दे चुकने पैने हैं क्योंकि रात नूं फिर बरसात हो सकती है। तो एक बार तो आप चंगी तरह सारा जिन्ना नेरी आई सी ना पहला नेरी दे करके ज़्यादा खलारा पिया सी, आप सारा वॉश कर लिया, हुण आप गद्दे गुद्दे चुक के अंदर रख दें फिर आप थले चलते। हुण गद्दे भी आप सारे अंदर रख ले, सारा समान अंदर रख लिया, हुण अगले वेहड़े च आप आ गए कोठे के उपर ही जोड़ा अगला वेहड़ा वही तो मंजा रख के आप गद्दे रखते सी, हुण इतने सारा वॉश कर लें, ग्रिल वगैरह भी ऐ होई पई सी मीह के नाल कट्टा ऐ पूरा चढ़िया पिया सीगा, तो हुण ये सारा साफ करके नाल ही आप पौड़ियाँ साफ करते ही थले नूं आवांगे। तो बार मौसम वेखो क्योंकि अज भी बहुत मीह पिया सीगा, देखो मौसम कितना सोहना है, पूरा हरिया हरिया लगता ना चारे पास्यों, तो बदल अजे भी सिर ते खड़े ने ये देखो। पर आप सोचे एक बार आप सारी साफ सफाई कर दिए, बहुत ही ज़्यादा खलारा सीगा। तो इधर देखो जिहड़ा आप घा लाया सीगा ये दूसरे घा ने सारा नप लिया, बिच भी होया वा पर हुण सारा घा कढ़ना पैना है। देखो ये दूसरा घा भी होया, बिच बहुत सोहना हो गया भी, पर इहदी सारी फिर साफ सफाई करनी पैनी। वो अपनी जिहड़ी वेल सीगी उधर नूं टंगी सी नेरी ने, वो भी चुके मारी सारा कुछ इधर नूं सुट दिता। अजे दूसरे गार्डन का तो बहुत बुरा हाल, वो आपां शायद शाम नूं जावांगे फिर आपां तुहानूं दिखावांगे, क्योंकि उधर ना जिवें बारिश रात होई है तो बहुत गिला वा, पैर खुभदे ने, जदों थोड़ा अठर गया फिर आपां तुहानूं दिखावांगे। तो दुपहर बूटी के फुल देखो किन्ने सोहणे लगदे ना, खिड़े खिड़े, कोई भी फुल होवे जदों खिड़िया बहुत सोहणा लगता। इस तरह इंसान भी ने, हसदे रहन खिड़े रहन तो ही सोहणे लगदे आ, रोंदे आ चेहरिआं नूं इत्थे कोई नहीं पुछदा हैगा। हुण इह सारा वॉश करके फिर आपां तुहानूं मिलदे। हुण आपां उपरों पौड़ियां वगैरह सारी छत सारी धोए सीगे, इधर आपां दरवाजा भी सारा वॉश कर लिया क्योंकि भी बहुत जदों नेरी आई होनी ना बहुत घट्टे ने भी भर गया सीगा, तो हुण आपां वॉश करदे आ जी इधरों। ये देखो हुण थल्ले ये सारा आप वॉश करांगे, तो बहुत ज़्यादा इतने मिट्टी आ गई, इहनूं कहिंदे आ ना चार दिन का मज़ा तो बाद च सज़ा, पेके रह के आप मज़ा किया तो हुण सज़ा मिली हुई है पूरी, क्योंकि नेरी तो मीह दे नाल ही ज़्यादा खलारा पिया ना, उदा आप नौरों नाल कर दें, तो हुण ये गैप पै गया 5-6 दिन का, तो बहुत ही ज़्यादा खलारा है। हुण आप सारा साफ करके फिर आप तुहानूं मिलदे। हुणे देखो बाहर तक आ गए आप, गेट रह गया वॉश करन वाला, बाकी उपरों लैके सारा आप वॉश कर लिया, सारी घर की साफ सफाई हो गई। हुण इन्ना क रह गया जिहड़ा अगो गेट गेट ये सारा आप धो लें, तो कूड़ा वगैरह सारा आप बाहर कढ़ दिता सीगा, हुण कूड़े वाला उते लै जूगा। साफ सफाई तो बिना बहन नूं जी नहीं करता घर, इन्ना ज़्यादा गंदा होया सीगा। हुण गेट नूं वॉश करूगा मेरा बेटा, इन्ना क अगो ये साफ करूगा, मैं लगी सी पानी पीन थक गई। देखो पसीना देखो किवें आया मेरे फेस ते, मौसम वधिया वा, घुट गया थोड़ा थोड़ा पर मौसम फिर भी वधिया, पर गर्मी लगती जो आप करते ना कोई जोर वाला काम फिर गर्मी भी बहुत लगती है। हुण आप पानी पी लीए पहला, हुण आप थां सारा धो लिया सीगा,
ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੱਥ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਘਾਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿੱਲੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਾਹ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਣੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਵਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਆਰੀ ਉੰਨੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਘਾਹ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੱਢ ਲੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਆਰੀ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈ ਆ, ਘਾਹ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਆ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਵਗੈਰਾ ਬੂਟ ਧੋ ਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਾ ਲਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਥੱਕ ਚੁੱਕੇ, ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੰਗਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਡੰਗਰ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਜੱਟ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਕਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਵਲੋਗ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਰੂਪ ਵਲੌਗਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹਾਉਂਦੇ ਧੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜੀ ਐਂਡ, ਅਤੇ ਐਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਜੋਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ।